हेलो बच्चों, आज हम फ्लूइड डायनेमिक्स का सेकंड लेक्चर और फ्लूइड मैकेनिक्स का सिक्स्थ लेक्चर लेके आए हैं। खैर ये सब बात छोड़ो, आज जो लेक्चर है बेसिकली किसके ऊपर है, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। तो अगर आपको बर्नौलीज थ्योरम पढ़ना है तो यूट्यूब पे टाइप करें फ्लूइड 04 बर्नौलीज, फ्लूइड 05 बर्नौलीज थ्योरम, या सिर्फ टाइप कर दें बर्नौलीज थ्योरम फिजिक्स वाला, आपको वीडियो मिल जाएगा। उसमें मैंने बर्नौलीज थ्योरम क्या होता है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है, कैसे डिराइव करना है बर्नौलीज थ्योरम, क्या इसकी मीनिंग होती है, बहुत अच्छे से समझाया है, प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड सब कुछ बताया। आज हम इस थ्योरम के एप्लीकेशन की बात करेंगे। तो दो सबसे बड़े एप्लीकेशन ले रहा हूं मैं, इसके बाद और भी एप्लीकेशन है वो अगले वीडियोज में कवर करूंगा। दो न्यूमेरिकल वाले एप्लीकेशन जिसके न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में, पहला है वेंचुरीमीटर और दूसरा है स्पीड ऑफ इफ्लक्स जिसके अंदर आता है टॉर्सिलीज थ्योरम। ये दो एप्लीकेशन ऐसे हैं जिसपे न्यूमेरिकल बेस होते हैं बर्नौलीज थ्योरम के। तो मेरा नाम अलख पांडे, हमारा आपका प्यारा सा चैनल फिजिक्स वाला, और आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आप फ्लूइड के पिछले लेक्चर्स देख चुके हैं और यहाँ तक पहुँच चुके हैं, है ना, एक स्टेप क्रॉस हो गया रुकना नहीं है। तो चलो पहली हेडिंग लगाओ, कॉपी पेन निकाल लें, जिस चूहे को आपने खाया है अब उसको भूल जाएं। वेंचुरीमीटर, वेंचुरीमीटर एक डिवाइस है जो मेजर करता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू अ ट्यूब। रेट ऑफ फ्लो मतलब एक सेकेंड में कितना लिक्विड फ्लो कर रहा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू अ ट्यूब। बच्चों रेट ऑफ फ्लो का मैं पिछले वीडियो में फॉर्मूला बता चुका हूं, होता है एरिया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। मतलब आपसे जब भी कोई रेट ऑफ फ्लो पूछे तो आप एरिया इंटू वेलोसिटी करके निकाल सकते हैं, ठीक है। दिक्कत क्या है, एरिया तो पता होगा, जैसे मान लो मेरे पास कोई ट्यूब है उसमें से लिक्विड फ्लो कर रहा है, मैं पूछूं रेट ऑफ फ्लो क्या है, तो यार बात यह है कि एरिया तो पता है इसका, क्रॉस सेक्शन एरिया बाहर से मेजर कर सकते हैं, यहां से जाने वाले फ्लूइड की स्पीड क्या है ये पता नहीं चलेगा। तो बेसिकली वेंचुरीमीटर हम इसलिए यूज करते हैं टू फाइंड स्पीड ऑफ फ्लोइंग लिक्विड, ये भी कह सकते हो, है ना। जब स्पीड मिल जाएगी तो एरिया तो मेजर कर ही सकते हो, तो आपको मिल जाएगा अमाउंट ऑफ फ्लूइड दैट पासेस दिस क्रॉस सेक्शन पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितना फ्लूइड क्रॉस करेगा, एरिया इनटू वेलोसिटी से। सो स्पीड ऑफ फ्लोइंग लिक्विड भी निकाल सकते हैं और रेट ऑफ फ्लो भी निकाल सकते हैं, एक ही बात है, है ना। स्पीड मिल जाएगी तो रेट के लिए तो एरिया से मल्टीप्लाई करना है। तो ये वेंचुरीमीटर का बेसिक पर्पस है, किस पे बेस्ड है, ये बर्नौलीज प्रिंसिपल पे बेस्ड है। चलिए बनाते हैं, कैसे बनेगा ये देखिए, यहाँ पे मैं एक पाइप लूँगा, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक कैपिलरी ट्यूब लगाया है, क्या लगाया है, कैपिलरी ट्यूब, ठीक है ना। कैपिलरी ट्यूब में क्या होता है, लिक्विड ऊपर राइज करता है ड्यू टू प्रेशर, और एक कैपिलरी ट्यूब में इस जगह पे लगा रहा हूँ, दो कैपिलरी ट्यूब मैंने लगाए, ठीक है। मान लीजिए इस पूरे पाइप में से जिस ट्यूब का क्रॉस सेक्शन, जिस पाइप का क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा, इसमें से कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा, ठीक है। आप देख रहे हैं क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा तो फ्लूइड की स्पीड चेंज होगी। बर्नौलीज थ्योरम के पहले इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में आपने पढ़ा कि जहां पे एरिया कम होता है वहां पे स्पीड फ्लूइड की ज्यादा होती है, जहां छोटा एरिया होता है वहां जल्दी जल्दी पार्टिकल्स पास करते हैं, क्योंकि जितना वॉल्यूम यहां से निकला उतने वॉल्यूम को यहां से जाना है उतने ही टाइम में। मान लो एक सेकंड में यहां से 20 मीटर क्यूब आगे बढ़ा तो यहां भी एक सेकंड में 20 मीटर क्यूब। अब यहां एरिया कम है तो वो अपनी स्पीड बढ़ाएगा रेट ऑफ फ्लो को बराबर रखने के लिए, तो यहां स्पीड ज्यादा होगी यहां स्पीड कम होगी। चलिए मान लेते हैं यहां पर फ्लूइड की स्पीड इस जगह पे है v1 और इस जगह पे मान लेते हैं फ्लूइड की स्पीड है v2। यहां पे v1 मान ली और इस जगह पे फ्लूइड की स्पीड हमने मान ली v2, ठीक है। यहां का क्रॉस सेक्शन एरिया मान लेते हैं a1, इस क्रॉस सेक्शन एरिया को
मैंने ले लिया A1 और इस क्रॉस सेक्शन एरिया को हम मान लेते हैं A2, ये A1 और वो A2। अब बच्चों यहाँ का और यहाँ का प्रेशर भी अलग अलग होगा, बहते हुए फ्लूइड में सेम लेवल पे प्रेशर सेम रहे इसकी कोई गारंटी नहीं। अगर ये फ्लूइड रुका होता तो आप देख रहे हो ये दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं, तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर क्या होता था, सेम। पर ये फ्लोइंग फ्लूइड है, इसमें प्रेशर चेंज हो सकता है। मान लो यहाँ प्रेशर अपना कुछ P1 है और यहाँ प्रेशर मान लो P2 है। अब बच्चों कैपिलरी ट्यूब का क्या काम होता है, प्रेशर होता है तो फ्लूइड ऊपर की तरफ राइज करता है, ये होता है कैपिलरी ट्यूब का काम। तो इसमें फ्लूइड ऊपर राइज कर गया, यहाँ प्रेशर P2 है, इसमें भी फ्लूइड ऊपर राइज कर गया, ठीक है। इसमें कम राइज किया, इसमें ज़्यादा, अभी धीमे धीमे ये सब समझ में आ जाएगा। फ्लूइड क्यों राइज किया, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर है। जैसे मरकरी में फ्लूइड ऊपर उठ जाता है, वैसे यहाँ पे वाटर ऊपर उठ गया, ठीक है। वाटर मान लो या जो भी फ्लूइड हो ऊपर उठ गया, वाटर सबसे इजीली अवेलेबल है तो वाटर ले लिया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मान लो इसमें H1 हाइट तक, इसमें H2 हाइट तक, खैर ना H1 से मतलब है ना H2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस मान लो H हाइट है, ठीक है। किस तरफ प्रेशर ज़्यादा, इस तरफ, क्योंकि फ्लूइड ज़्यादा, देखो इसमें ज़्यादा प्रेशर लगा, फ्लूइड ज़्यादा ऊपर उठ गया, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अच्छा अब सवाल आ रहा है सर यहाँ प्रेशर क्यों चाहता है, देखो बर्नौली थ्योरम लिखूँ मैं, बर्नौली थ्योरम क्या था, P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। बहते हुए आइडियल फ्लूइड में हम ये इक्वेशन लगा सकते हैं, आइडियल फ्लूइड हो, आइडियल फ्लूइड याद है जो कंप्रेस ना हो, जिसकी डेंसिटी चेंज ना हो सके, जिसकी लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन ना हो, जिसमें रोटेशन ना हो कहीं फ्लूइड के बीच में, और स्ट्रीम लाइन फ्लो हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें बता चुके हैं, स्टडी फ्लो हो। अब देखो ये दोनों पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं, इनको हाइट से कन्फ्यूज मत करना, ये हाइट नहीं, ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, मतलब H1 और H2 बराबर है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड चेंज नहीं हो रही, तो ये टर्म तो कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हो गया, बिकॉज H1 इज इक्वल्स टू H2, ये हाइट नहीं लेते बर्नौली में, ये दो पॉइंट की हाइट खत्म। यानी हम लिख सकते हैं P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। अब मुझे बताइए वेलोसिटी कहाँ पे ज़्यादा होगी, वेलोसिटी यहाँ ज़्यादा होगी, एरिया छोटा है। ये वाला टर्म अगर यहाँ ज़्यादा है तो ये वाला टर्म इधर बड़ा होगा, तभी तो बैलेंस होगा। ये वाली चीज़ इस तरफ बड़ी है तो इस तरफ का प्रेशर कम, इसलिए यहाँ पे लिक्विड उतनी ऊपर राइज नहीं किया, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा था, लिक्विड ऊपर राइज कर गया। अच्छा अब मैं इसको देख ले आऊँ तो लिख सकता हूँ P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू हाफ रो कॉमन V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर लिख सकते हैं। ये H वाले टर्म क्यों चले गए, क्योंकि दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे थे। अच्छा अब P1 माइनस P2 कितना होगा, यहाँ का प्रेशर लिखा हमने P1, यहाँ का प्रेशर लिखा P2, तो यहाँ फ्लूइड कितना नीचे आया, कुछ हाइट नीचे आया, यहाँ भी कुछ हाइट नीचे आया, इनका डिफरेंस कितना होगा बच्चों, P1 माइनस P2 अगर मैं निकालूं तो क्या वो रो जी एच आएगा, सोच के बोलो, इन दोनों में हाइट का डिफरेंस कितना है एच, तो प्रेशर का डिफरेंस रो जी एच, रो जो भी फ्लूइड इसके अंदर है। ध्यान से समझो ये H1 H2 इसमें कंफ्यूज मत हो, ये कैपिलरी ट्यूब्स लिए हैं प्रेशर मेजर करने के लिए, इनका काम क्या है, टू मेजर प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर भी नहीं, प्रेशर का डिफरेंस मेजर किया। आपको पता है फ्लूइड में नीचे आओ तो प्रेशर होता है रो जी एच, तो मान लो इधर हो गया रो जी वाई, इधर हो गया रो जी एक्स, डिफरेंस कितना हो जाएगा रो जी वाई माइनस, मान लो ये हाइट वाई है तो यहां प्रेशर हो जाएगा रो जी वाई, यहां हो जाएगा रो जी एक्स, और डिफरेंस रो जी वाई माइनस रो जी एक्स, तो रो जी कॉमन वाई माइनस एक्स विच इज एच, क्लियर हो रहा है। ये अगर वाई हाइट हो, ये अगर एक्स हाइट हो, तो प्रेशर का डिफरेंस क्या होगा रो जी वाई माइनस एक्स, और वाई माइनस एक्स की जगह हम एच लिख सकते हैं, तो रो जी एच। सो यहां पे हम लिखेंगे रो जी एच इज इक्वल्स टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, रो से रो मर गया,
यहां से v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh, ये मिली पहली इक्वेशन v1 v2 की। देखो v1 भी वेरिएबल है, v2 भी वेरिएबल है, हमें दोनों जगह स्पीड पता नहीं है। तो एक तो पहली इक्वेशन यूज की हमने, कौन सी? बर्नौलीज इक्वेशंस। तो बर्नौलीज इक्वेशन से हमें एक रिलेशन मिला, पर वेरिएबल तो दो हैं। दूसरा रिलेशन मिलेगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। याद है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलता है? बहते हुए फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड के लिए हम लिख सकते हैं ए वन वी वन इज इक्वल्स टू ए टू वी टू, लिख सकते हैं ए वन वी वन इज इक्वल्स टू ए टू वी टू। यहां से जरा वी टू बराबर वी वन निकालो, वी टू बराबर वी वन इज इक्वल्स टू ए वन बराबर ए टू, बोल सकते हैं वी टू बाई वी वन ए वन बाई ए टू। बहुत बढ़िया, यहां तक नोट करें फिर मैं डेरिवेशन को आगे बढ़ाऊं। यहां तक सारे पॉइंट 100% क्लियर हुए हैं? ओके, बहुत बढ़िया, आसान सी चीज थी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे भाई। ये नोट कर लिया, मिटार दूं मैं, कहां से आया ये? बर्नौलीज थ्योरम से। एच वन एच टू बराबर हुए P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर P2 प्लस हाफ P1 माइनस P2, हमने कैपिलरी में डिफरेंस देखा, डेंसिटी बोली रो, रो जी एच रखा। मिटार दें? ओके, मिटार दिया। अब जरा ध्यान से देखो, इसमें से फर्स्ट और इसको मैं बोल देता हूं सेकेंड इक्वेशन। अब दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल V1 V2, इसमें से मैं V1 स्क्वायर कॉमन लूंगा तो मेरे पास बचेगा v2 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर, या ये बोल लूं v2 बराबर v1 का होल स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2gh। बोलो सही है? यहां से v1 स्क्वायर कॉमन लिया तो v2 बाय v1 का होल स्क्वायर। v2 बाय v1 को हम लिख सकते हैं a1 बाय a2, सो इट विल बी v1 स्क्वायर a1 बाय a2 का होल स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2gh। यहां से v1 की वैल्यू आपको मिल सकती है v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh अपॉन a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय a2 स्क्वायर। बोलो सही है? ये पूरा टर्म नीचे जाएगा, फिर एलसीएम हो जाएगा a2 का स्क्वायर। देखो ये पूरा टर्म नीचे जाएगा, एलसीएम हो जाएगा इसका कितना, a2 का स्क्वायर, वो ऊपर आ गया a1 स्क्वायर। इसको सॉल्व करो क्या होगा, यहाँ एलसीएम होगा ए टू का स्क्वायर, ए वन स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर, तो ए वन स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर यहाँ और ए टू का स्क्वायर ऊपर। यहाँ से वी वन आप निकालना चाहो, सो वी वन का एक्सप्रेशन बनेगा, बोलो, अंडर रूट टू जी एच अपॉन ए वन स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर, और ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई होगा इंटू ए टू। बोलो सही है? अब देखो आपको g की वैल्यू पता है, h आप बाहर से नोट कर लोगे, a1 a2 एरिया है, a1 a2 एरिया है, मेजर कर लोगे, अब आपको v1 की वैल्यू मिल गई, स्पीड ऑफ फ्लो मिल गया। क्लियर हुआ? मैं फिर से यहां पे v1 का एक्सप्रेशन लिखता हूं। क्लियर हुआ? मजा आया? कुछ नहीं करना, बर्नौलीज थ्योरम लगाना है। बर्नौलीज थ्योरम में दोनों जगह की हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हाइट सेम है, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, P1 माइनस P2 रो GH के इक्वल, एक एक्सप्रेशन वहां से, एक बन गया किससे? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। फिर मैंने कहा यहां से V1 स्क्वायर कॉमन लो, बस V1 V2 by V1 की जगह वहां से सब्सटीट्यूशन किया वगैरह वगैरह, सो वी गेट V1 इज इक्वल टू A2 मल्टीप्लाइड बाय रूट टू जी एच अपॉन ए वन स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर। ये हो गया स्पीड ऑफ फ्लूइड। इस जगह पे स्पीड निकालोगे तो ये, और यहां पे स्पीड निकालोगे तो कुछ नहीं, ए टू की जगह ए वन डाल देना, सेम आएगा। अगर आपको यहां पे स्पीड निकालनी है तो यहां पे निकाल लो, वी टू की वैल्यू देखो क्या आएगी, यहीं से सोचो, यहां पे ए वन आ जाएगा, बाकी सब सेम, रूट टू जी एच अपॉन ए वन स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर। इस तरह से आप स्पीड निकाल सकते हो कहीं की भी। तो आप बोलोगे सर याद कैसे रखेंगे एक स्पीड का टर्म, या डिराइव करेंगे एग्जाम में? डिराइव कर लो, बेटर है। देख एग्जाम में क्या होगा ना, वैल्यूज होंगी, तो तुम ये जो वेरिएबल्स ले रहे हो ये नहीं आएंगे,
एग्जाम में दिया रहेगा ये एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर या 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये 4 बटे 10, तो V2 by V1 की एक वैल्यू होगी, तो V2 को V1 के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो, उठा के सीधा यहां पे रख दोगे V2 V1 की वैल्यू आ जाएगी। समझ रहे हो? तो वो तो हम डिराइव करने के लिए फॉर्मूला दिखा रहे हैं, एग्जाम में बता देगा कि ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर ये 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, रख दिया यहां पे 20 बाई 10 ये आ गया 2, तो V2 is equal to 2V1, यहां 2V1 square minus V1 square, V1 square, V1 की वैल्यू मिल गई, खेल खत्म। V1 की वैल्यू रख के V2 मिल गया, चाहो तो एक्सप्रेशन याद कर लो, आपकी मर्जी है। क्लियर हो गया? अच्छा, तो इस तरह से आपको स्पीड ऑफ फ्लूइड किसी भी पॉइंट पे मिल सकता है। देखो, मैंने सही बताऊं तो मुझे इसका रेट ऑफ फ्लो याद रहता है, क्योंकि रेट ऑफ फ्लो जो यहां पे होगा वही यहां पे होगा, जितना फ्लूइड एक सेकंड में यहां से निकलेगा उतना यहां से आगे बढ़ेगा। रेट ऑफ फ्लो का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, एरिया इंटू वेलोसिटी, कहीं पे भी लगा दो, यहां लगा दे ए वन इंटू वी वन, ए वन और वी वन की वैल्यू क्या है, ए टू अंडर रूट टू जी एच अपॉन ए वन स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर, देखो यही है, जैसे चाहो ए टू इंटू वी टू कर लो, ए टू इंटू वी टू, ए टू और वी टू की वैल्यू देखो क्या है, ए वन अंडर रूट टू जी एच अपॉन ए वन स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर। सो इट्स बेटर कि अगर आपको रेट ऑफ फ्लो का फॉर्मूला याद रहे, और रेट ऑफ फ्लो आप जानते हो ए इंटू वी होता है, किसी भी तरफ का वी निकाल लोगे, रेट ऑफ फ्लो क्या है ए वन ए टू, और रेट ऑफ फ्लो ए इंटू वी, वहां से ए की वैल्यू रख के यू कैन फाइंड वी। खैर, सो ये रेट ऑफ फ्लो हो गया, और ये अपना स्पीड एट पर्टिकुलर पॉइंट, मिटा दें, क्लियर हो गया? सवाल इसमें बहुत हलवे आते हैं, किस लिए यूज होता है समझ में आ ही गया आपको, टू मेजर रेट ऑफ फ्लो, डेरिवेशन भी क्लियर हो गई आपको। बहुत टफ लग रही है क्या? अरे यार हलवा है भाई, अरे नहीं टफ है, बस रेट ऑफ फ्लो याद रखो, वेंचुरी मीटर का एक फॉर्मूला, रेट ऑफ फ्लो ए वन ए टू अंडर रूट टू जी एच अपॉन ए वन स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर। अब वी वन निकालना है ना, वी वन चाहिए ना, मुझे बताओ क्या वी वन को रेट ऑफ फ्लो डिवाइडेड बाई ए वन लिख सकते? रेट ऑफ फ्लो क्या होगा, ए वन वी वन, खत्म, इसको ए वन से डिवाइड कर दो, ए टू रूट टू जी एच अपॉन ए वन स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर। वी टू चाहिए, रेट ऑफ फ्लो को ए टू से डिवाइड कर दो, रेट ऑफ फ्लो ए टू वी टू, इसको ए टू से डिवाइड किया, ए वन रूट टू जी एच अपॉन ए वन स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर। एक छोटा सा मैं होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूं, इसका कर लीजिएगा खुद से, कुछ इसमें कराने लायक नहीं है। मान लीजिए यहां पे एक पाइप है वेरिएबल क्रॉस सेक्शन का, ठीक है, और हमको बता रहा है कि इस जगह का एरिया है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस जगह का क्रॉस सेक्शन एरिया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहां पे वाटर की लेंथ के डिफरेंस है 4 सेंटीमीटर, फाइंड रेट ऑफ फ्लो, निकाल लेंगे रेट ऑफ फ्लो ए वन ए टू अंडर रूट टू जी एच ए वन स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर। स्पीड भी पूछे तो निकाल लेंगे दोनों जगह। तो ये था वेंचुरी मीटर और उससे जुड़ा फॉर्मूला, इसको कमेंट करना है आपको निकाल के, यूनिट क्या रखेंगे सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड में, कमेंट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये पहला एप्लीकेशन था वेंचुरी मीटर। अगली हेडिंग लगाइए जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्पीड ऑफ इफ्लक्स, स्पीड ऑफ इफ्लक्स। ये क्या चीज है, मान लो यहां किसी टैंक में मेरे पास पानी भरा है या कोई लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, और इस टैंक में इस जगह पर मैं एक छोटा सा ओरिफिस, एक छोटा सा होल क्रिएट कर दूं, छोटी सी ओपनिंग क्रिएट कर दूं, तो क्या होगा, सर इसमें से पानी बाहर आएगा, चलो भैया ये तो बहुत छोटी सी बात थी, ऐसे बाहर आ जाएगा पानी इसमें से, यहां तो गिरेगा नहीं, ठीक है।
हमसे पूछ रहा है ये जो पानी बाहर आ रहा इसकी स्पीड क्या है, इसकी स्पीड क्या है। तो हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे बर्नौली थ्योरम। हमारा एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया। हम मानते हैं यहां से फ्लूइड नीचे गिरता जाएगा, ऐसे खटक 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 यहां से बाहर, यहां से फ्लूइड के नीचे गिरने की स्पीड v1, यहां से फ्लूइड के बाहर निकलने की स्पीड v2। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मान लो a1, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमने मान लिया a2, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया a2 मान लिया, और ये क्रॉस सेक्शन एरिया a1। यहां पे लगेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो प्रेशर हो गया p0। ये भी देखो ओपनिंग है, ओपनिंग है तो यहां पे भी प्रेशर एटमॉस्फेयर ही तो लगाएगा p0। यहां भी देखो ओपन है तो एटमॉस्फेयर लगाएगा प्रेशर p0, यहां भी ओपन है p0। तो यहां फ्लूइड नीचे गिरता जा रहा v1 स्पीड से, यहां फ्लूइड बाहर आ रहा v2 स्पीड से, क्रॉस सेक्शन a1 a2, प्रेशर p0 p0। अच्छा मानते हैं इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस ऑफ हाइट है वो h है, ठीक है, मतलब ये मान लेते हैं बेस पे है और ये मान लेते हैं इससे h हाइट ऊपर है। हम बर्नौली इक्वेशन लगाएंगे पॉइंट नंबर वन और पॉइंट नंबर टू, हम बोलेंगे टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट, यही होता है बर्नौली थ्योरम। मतलब यहां पे प्रेशर कितना है p नॉट प्लस रो g, ये बेस है हमारा, इस बेस से ये फ्लूइड कितना ऊपर है h हाइट, तो रो g h, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है, प्लस हाफ रो, स्पीड कितनी है v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इस पॉइंट पे आओ यहां प्रेशर कितना है p नॉट है, रो g ये बेस लाइन है इसकी हाइट कितनी हुई जीरो, प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर, बोलो सही है, p नॉट से p नॉट मर गया, ये रो g जीरो वाला टर्म भी गया, सो वी गेट रो g h प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ रो v2 स्क्वायर। यहीं पे कुछ बुक एक गलती करती हैं कि वो सीधा v1 को जीरो रख देती हैं। देखो सीधा v1 को जीरो रखना एक अजम्पशन है, समझो, अब यहां से अजम्पशन समझो, किताब में एक अजम्पशन करेगा और एक थ्योरम बताएगा। अजम्पशन क्या है, तारा बना दिया मैंने, आओ ये तारा समझाता हूं। क्या मैं इस जगह पर और इस जगह पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा सकता हूं, बिल्कुल, अगर ये फ्लूइड कैसा है आइडियल फ्लूइड है तो मैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा सकता हूं। यहां से फ्लूइड नीचे जितना आएगा उतना फ्लूइड यहां से बाहर, जितना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड एक सेकेंड में यहां से नीचे आया उतना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड एक सेकेंड में यहां से बाहर, मतलब ए वन वी वन रेट ऑफ फ्लो इज इक्वल्स टू ए टू वी टू, जितना फ्लूइड एक सेकेंड में नीचे उतना बाहर, ठीक है, पक्का पक्का ओके। वी वन अपॉन वी टू इज इक्वल्स टू ए टू अपॉन ए वन, समझो बात को, वी वन बाई वी टू इज इक्वल्स टू ए टू बाई ए वन। अब मान लो ये जो ओपनिंग है, इफ दिस इज वेरी वेरी स्मॉल, अगर ये बहुत बहुत छोटी है, मतलब a2 टू इज मच 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 लेस देन ए वन, अगर ये एरिया बहुत छोटा है तो यहां की स्पीड बहुत ज्यादा होगी, a2 बहुत छोटा है a1 से, ये टर्म कितना हो जाएगा जीरो, और v1 की स्पीड जीरो आएगी क्योंकि यहां की स्पीड इतनी ज्यादा है कि उसके सामने v1 जीरो। अगर ये होता है तो ये छोटा ये बड़ा ये टर्म जीरो, v1 विल कम आउट टू बी जीरो, यानी अब ये अजम्पशन ट्रू होगा सिर्फ इस केस में, हमेशा किताब में इस स्पीड को जीरो कर देता है वो गलत है। मैं बता रहा हूं ना, ये एरिया बहुत छोटा, ये एरिया बहुत बड़ा, बहुत छोटा तो फ्लूइड की स्पीड बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा तो यार बहुत धीमे धीमे, सोचो इतना बड़ा है पता ही नहीं चल रहा है कितना फ्लूइड नीचे आ रहा, तो v2 करीब करीब सॉरी v1 करीब करीब जीरो दिखने लगता है अगर ये एरिया बहुत छोटा। जैसे जेई 2005 में इन दोनों एरिया का रेशियो दे दिया, बच्चों ने गलत किया था, बताएंगे अभी, चलो क्या। तो अजम्पशन मानने के बाद हमने बोला इफ
ए टू इज मच 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 लेस देन ए वन देन वी वन टेंस टू जीरो, ये स्पीड इसके सामने दिखाई नहीं पड़ेगी. देन रो जी एच इज इक्वल्स टू हाफ रो वी टू स्क्वायर, रो से रो मर गया और यहां से वी टू इज इक्वल्स टू रूट टू जी एच. वी टू को कई बार हम वी ओ या कई बार वी ई बोलते हैं, वेलोसिटी फ्रॉम ऑरिफिस वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स. कितना आया रूट टू जी एच. क्या हमेशा रूट टू जी एच आएगा? नहीं, अंडर दिस अजम्पशन, अदरवाइज इसको सॉल्व करना पड़ेगा. अब यहां तक तो स्पीड ऑफ इफ्लक्स चला, अब यहां से आएगा टॉर्सिलीज थ्योरम. तो टॉर्सिलीज भाई साहब को क्या सूझा, उन्होंने क्या सजेस्ट किया? टॉर्सिलीज अंकल ने यह कहा कि साहब अगर एक लिक्विड की बूंद एच हाइट से नीचे यहां तक गिरती तो उसकी क्या स्पीड होती? रूट टू जी एच. अगर यहां से यहां लिक्विड की बूंद फ्री फॉल करती तो उसकी क्या स्पीड होती? रूट टू जी एच. तो पता है ना आपको, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दें अगर हम सिंपल, ये फ्लूइड की बूंद है, कितनी हाइट नीचे गिर रही? एच. किसके प्रेजेंस में? फ्री फॉल, ग्रेविटी में फ्री फॉल. अगर ये फ्री फॉल करेगी तो यहां इसकी स्पीड जीरो और यहां वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस. सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू जीरो हो गया, टू ए की जगह जी, एस की जगह एच, तो वी इज इक्वल टू रूट टू जी एच. फील हुई बात? बोलो आया. एक्सेलरेशन किसका लगेगा? मान लो फ्लूइड की बूंद फ्री फॉल कर रही होती, एक इमेजिनेशन, अगर फ्लूइड की बूंद फ्री फॉल कर रही होती तो भी यही एक्सप्रेशन आता. मतलब एक तो बर्नौलीज थ्योरम लगा के पूरी कहानी करके समझ के मजाक हुआ पूरा जिंदगी में हमारे, और एक शॉर्टकट था. शॉर्टकट क्या था? टॉर्सिलीज थ्योरम, कि अगर आप कोई ऑरिफिस बनाओगे जो कि बहुत छोटा होगा कंपेयर टू एरिया ऑफ कंटेनर, उस कंडीशन में जो फ्लूइड के बाहर निकलने की स्पीड होगी वो वही स्पीड होगी जो फ्लूइड गेन करता फ्री फॉल करने में, उतनी ही हाइट. अगर यहां से ड्रॉप बाहर निकाल लो, सोचे टैंक है नहीं बाहर निकाल लो, अब छोड़ो तो यहां आके इसकी स्पीड कितनी होगी? यू इज इक्वल टू जीरो से गिरेगा यहां से, एच हाइट नीचे गिरा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, यहां पे यू जीरो, टू ए क्या है जी फ्री फॉल, एस क्या है एच. ये टॉर्सिलीज थ्योरम है. टॉर्सिलीज थ्योरम क्लियर हो गया कि ऑरिफिस से निकलने वाले फ्लूइड की स्पीड वही होती है जो उस फ्लूइड की उतनी ही हाइट फ्री फॉल करने में होती, उस फ्लूइड की उतनी ही हाइट तक फ्री फॉल करने में. क्लियर? बट ऑलवेज रिमेंबर इफ दिस अजम्पशन इज ट्रू, अगर एग्जाम में आपको बोल देता है दैट ए टू बराबर ए वन का रेशियो है, मान लो दे दिया 0.4, तब आप ये सब नहीं कर सकते. अब ए टू ए वन से बहुत छोटा नहीं है, 40% है ये, 100% तो ये 40, तब ये assumption नहीं लगेगा, तब टॉर्सिलीज थ्योरम नहीं लगेगा. तो ध्यान रखना कि जितने भी कंटेनर वाले क्वेश्चन नीचे छेद किया तो सीधा v is equals to root 2 gh लगाना नहीं है, याद रखना. चलो इन्हीं सब पे तो आईटी आपसे खेल खेलता है. 2005 में यही खेल खेला बच्चों ने, रूट टू जी एच लगाया और हुआ क्या, कोई भी ऑप्शन मैच ही नहीं किया चार में से. ऐसा भी नहीं कि एक गलत ऑप्शन मैच करा दिया, कुछ नहीं मैच किया. खैर, मोस्ट ऑफ द टाइम अजम्पशन वैलिड होगा, कभी कभी वैलिड नहीं होगा. चलो देखेंगे करते करते. अभी हम समझते हैं एक नई कहानी, रेंज ऑफ फ्लूइड. इस फ्लूइड की रेंज समझते हैं. क्या मतलब सर? जैसे मानो ये कहानी थी अपनी, ठीक है, हम मानते हैं ऑरिफिस बहुत ही छोटा है, हम मानते हैं ऑरिफिस बहुत ही छोटा है, हमने मान लिया, मतलब हमने मान लिया कि ए वन बहुत बड़ा है और यहाँ पे ऑरिफिस का जो एरिया है उसको ए टू बोल दें, ए बोल देते हैं. चलो ए इज मच 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 लेस देन ए वन. यहाँ से फ्लूइड निकला विथ स्पीड वी या वी ई बोल दो. अब ये फ्लूइड मान लो इसमें फ्लूइड भरा हुआ है, कितनी हाइट से गिरा? स्मॉल एच हाइट से गिरा. ये फ्लूइड बाहर निकल के ऐसे जाएगा, बोलो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा कि नहीं, कि यहीं गिर जाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन. तो अब हमसे कह रहा है
कि आप ये जो फ्लूइड बाहर आया इसकी रेंज कैलकुलेट करिए। हमसे बोला बीकर की जो टोटल हाइट है, टैंक की जो टोटल हाइट है वो कैपिटल एच है, नेट हाइट इज कैपिटल एच, और जो ऑरिफिस है वो ऊपर से स्मॉल एच हाइट नीचे है। अब आपको बताना है कि क्या इसकी रेंज होगी। सोचिए, बता सकते हैं? वी ई की वैल्यू पता है, रूट टू जी एच होगी, रूट टू जी एच, बताइए। चलिए मैं बताऊं, यहां से निकलने वाले फ्लूइड की स्पीड बोलिए, वी ई की वैल्यू बोलिए रूट टू जी एच, 99% टाइम अजम्पशन वैलिड। ये रेंज पता लगाना है तो ये रेंज कितनी होगी, दिस रेंज विल बी इक्वल टू हॉरिजॉन्टल स्पीड यानी वी ई मल्टीप्लाइड बाई टाइम, जितने टाइम में यहां तक गिरा। आपको पता है इस स्पीड के ऊपर ग्रेविटी का फर्क नहीं पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल स्पीड है। अब टाइम कैसे निकलेगा, देखो जितने टाइम में ये यहां तक हॉरिजॉन्टल चला उतने टाइम में ये यहां तक वर्टिकल चला, ये दो डायमेंशन मोशन कर रहा यहां से यहां तक का, तो जितने टाइम में ये देखो यहां से यहां पहुंचा, जितने टाइम में ये इतना आगे गया उतने टाइम में इतना नीचे, तो हम निकाल लें कितने टाइम में ये फॉल किया, है ना, टाइम टेकन टू फॉल, टाइम टेकन टू फॉल कितनी हाइट h माइनस h, जितनी देर में ये फॉल किया उतनी देर में ये आगे। सो बच्चों ये टाइम कितना आएगा, अंडर रूट टू एच माइनस एच इंटू जी। इतने तो आप लोग अब चीजें समझ गए होंगे, यहां से जीरो स्पीड से गिर रहा, यार पता होगा ना टाइम कितना होता है, रूट टू एच बाई जी फ्री फॉल का, जितनी हाइट से गिर रहा हो रूट टू वाई बाई जी लिख दूं, जितनी हाइट से गिर रहा हो तो एच माइनस एच से गिर रहा है, इतने टाइम ये डिराइव कर लोगे खुद से, हलवा चीज है। आपको पता है टाइम भाई की कोई पार्टिकल है, मान लो यहां से कर ही देता हूं, यू इज इक्वल्स टू जीरो, सर जीरो कैसे भी आ रहे, मान लो y डायरेक्शन का मोशन कंसिडर करूं मैं, तो y डायरेक्शन में इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जीरो, एस्केलरेशन y डायरेक्शन का माइनस जी, डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन का h माइनस एच और उसके आगे माइनस लगा दिया, बोलो आया। y डायरेक्शन का मोशन देखो तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, एस्केलरेशन y डायरेक्शन की माइनस जी है, और y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट ये हो रहा है, ये कितना होगा कैपिटल h माइनस स्मॉल h, और नेगेटिव इसलिए लगाया क्योंकि नीचे आ रहे हैं। अब यहां से यूज करो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस की जगह माइनस एच माइनस एच, यू टी की जगह जीरो, हाफ ए की जगह माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, माइनस से माइनस भर गया, टी की वैल्यू देखो कितनी आ रही, टू 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 टू, ये क्या लिखा है, माइनस था, माइनस कैंसिल हो गया, टी इज इक्वल्स टू टू एच माइनस एच अपॉन जी अंडर रूट, यही आ रहा, क्लियर। छोटी छोटी चीजें सब तो कर लोगे खुद से, फ्री फॉल करा के देख लिया किस डायरेक्शन में, वाइड वाई डायरेक्शन के मोशन देखोगे तो टाइम मिल जाएगा, इतने ही टाइम में ये यहां से यहां गिरा इतने ही टाइम में आगे बढ़ा, तो रेंज इज इक्वल्स टू वी ई इंटू दिस टाइम, वी ई कितना है रूट टू जी एच, क्योंकि एच हाइट से नीचे गिरा, यहां आते आते फ्लूइड की स्पीड रूट टू जी एच, और टाइम कितना है अंडर रूट टू एच माइनस एच बटे जी, जी से जी मर जाएगा, टू टू ज फोर अंडर रूट एच इंटू एच माइनस एच, ये होगी रेंज। बोलिए आया कोई डाउट, जितनी देर में ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा उतनी देर में ये वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा क्योंकि ग्रेविटी तो वर्टिकल वेलोसिटी पे ऐड करती है, तो मैंने एक्स डायरेक्शन का मोशन देखा, एक्स डायरेक्शन में मैंने डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड इनटू टाइम किया, एक्सेलरेशन है नहीं, मुझे टाइम पता करना था मैं वाई डायरेक्शन में गया, मैंने कहा इनिशियल वेलोसिटी जीरो, डिस्प्लेसमेंट है कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच और माइनस लगा दिया नीचे आ रहा है, एक्सेलरेशन है माइनस जी और टाइम कैलकुलेट किया। खैर तो हमको रेंज का एक्सप्रेशन मिला, उसको जरूर लिखिए, रेंज का एक्सप्रेशन मिला अंडर रूट फोर इंटू एच माइनस एच। बड़ी कमाल की चीज दिख रही है कि ये जो रेंज है ये डज नॉट डिपेंड ऑन वी ऑन जी ऑन टी, किसी चीज पे डिपेंड नहीं कर रही यार,
ओए, इसकी रेंज सिर्फ इस बात पे डिपेंड कर रही कि ऑरिफिस कहां पे बना है, एच स्मॉल एच की वैल्यू पे। भाई कैपिटल एच तो कांस्टेंट है, हाइट ऑफ टैंक। ऑरिफिस की प्लेस चेंज हो सकती है, कहीं यहां पे कर दिया ऑरिफिस, यहां पे होल कर दिया यहां पे। तो एच के ऊपर रेंज डिपेंड करता है, रेंज डिपेंड्स ऑन पोजिशन ऑफ ऑरिफिस। ये सब किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, पर समझो, नहीं समझोगे तो अच्छे सवाल सॉल्व नहीं होंगे। रेंज डिपेंड्स अपॉन पोजिशन ऑफ ऑरिफिस। रेंज का फॉर्मूला मिल गया 4H H-H। अच्छा ध्यान से देखो, 4H H-H बहुत आसान है। 4 टाइम्स ऑफ जितनी हाइट इसके ऊपर है मल्टीप्लाइड बाय जिसकी हाइट इसकी नीचे है। अब एग्जाम में थोड़ी ना वेरिएबल रहेगा, फिर समझो एग्जाम में दे देगा ये हाइट 10 सेंटीमीटर, ये हाइट 4 सेंटीमीटर, तो बचा कितना 6। तो रेंज इज इक्वल्स टू 4 × 6, जो हाइट ऊपर अपॉन जो हाइट नीचे। क्लियर है, रेंज समझ में आ गई। अच्छा फिर एक सवाल आता है हमसे कि ये रेंज मैक्सिमम कब होगी, ये रेंज मैक्सिमम कब होगी, व्हेन इज रेंज मैक्स। तो यार इसमें वेरिएबल कौन है, स्मॉल एच है, तो वाई देखो, वाई इज इक्वल्स टू मान लो एफ एक्स का कोई फंक्शन हो, हमसे पूछे मैक्सिमा मिनिमा कहां है, तो हम क्या करते थे डी वाई बाई डी एक्स को जीरो। वाई वो है जो डिपेंड कर रहा है, यहां वो रेंज है मतलब डी आर। एक्स जो चेंज हो रहा है, यहां पे एच चेंज होगा, कैपिटल एच तो कॉन्स्टेंट है, तो डी आर बाई डी एच इज इक्वल्स टू जीरो। अब देखो ये रूट रूट का एक्सप्रेशन है, हम एक काम करते हैं, हम रेंज मैक्सिमम की जगह चेक करते हैं कि आर स्क्वायर कब मैक्सिमम है, रूट की कहानी खत्म। जहां आर स्क्वायर मैक्सिमम होगा वहां रेंज मैक्सिमम होगी, है ना। तो रेंज स्क्वायर देख लेते हैं कहां मैक्सिमम है, तो रेंज स्क्वायर का एक्सप्रेशन क्या होगा, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4H × H-H। तो हम देखना चाह रहे हैं कि डी आर स्क्वायर अपॉन डी एच जीरो कहां होता है, जहां पे ये वाई बन गया और ये एक्स है, जहां पे ये जीरो होगा वहां पे रेंज मैक्सिमम। इसको डिफ्रेंशिएट करो, वेरिएबल सिर्फ स्मॉल एच है, इसको लिख सकते हो 4H H-4H2। तो डिफ्रेंशिएट करने पे आएगा, यहां डिफ्रेंशिएट करोगे तो 4 कैपिटल एच बाहर, 1 एच का डिफ्रेंशिएशन 1, 4H स्क्वायर का 2 यहां आएगा, 2 × 4 = 8H - 8H = 0। भाई ये देखो, सोचो 4X स्क्वायर तो 2 बाहर आ जाएगा, 4 × 2 = 8X, और ये सोचो 4XH तो 4H बचेगा। यहां से 4H = 8H, 4H = 8H, 4 × 4 = 8, H = H/2। बड़ा आसान है आंसर, जब आप होल मिड पॉइंट पे करोगे, बहुत आसान है आंसर। आंसर देखो बहुत सिंपल आने वाला था, जब आप होल मिड पॉइंट पे स्मॉल एच इज इक्वल्स टू कैपिटल एच बाई टू, मिड पॉइंट पे जब होल करोगे तब रेंज मैक्सिमम होगा। क्लियर है, रेंज मैक्सिमम चाहिए तो एकदम बीच में, जब 10 सेंटीमीटर है तो 5 पे होल कर दो, 9 सेंटीमीटर है 4.5 पे कर दो, एकदम बीच में जब होल करोगे देन रेंज विल कम आउट टू बी मैक्सिमम। कितनी होगी मैक्सिमम रेंज कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना है करा दिया जाए आपको। देखिए आर मैक्स अंडर रूट 4, बोलो स्मॉल h की वैल्यू कितनी हो गई h/2, और h माइनस h बाई टू विल बी अगेन h/2, से दोनों चीजें बाहर आ जाएंगी, आर मैक्स इज इक्वल्स टू h/2 h/2, 4 कैंसिल, इट विल बी व्हाट h, बोलो सही है। मैक्सिमम रेंज होगी जब h h/2 हो, तो इसको h/2 रखा, h - h/2 ये भी h/2 h/2 × h/2, 2 × 2 = 4 कैंसिल, h²h। सो मैक्सिमम रेंज इज कैपिटल H एंड इट अकर्स व्हेन होल इज इन बिटवीन, जब ये हाइट बराबर हो जाए। रेंज का फॉर्मूला √4H × H - H, ऐसे याद रखो, √4 ऊपर वाली हाइट अपॉन नीचे वाली हाइट। क्लियर है, और ये सब तब वैलिड है जब ऑरिफिस बहुत छोटा। चलिए इतनी बातें करने के बाद मैं आपको 2014 एडवांस का क्वेश्चन दिखाता हूं, जेई का जो आया था,
स्पीड ऑफ इफ्लक्स या टॉर्सेलीज थ्योरम कह लो उस पर. तो 2014 जेई एडवांस में उन्होंने हमसे पूछा कि एक लिफ्ट में एक बउआ है और उस बउए के पास एक बीकर है या टैंक है, जो समझ लो, ठीक है, एक बउआ है, बउआ रे, बउए के पास एक बीकर है, ठीक है, और छोटा करते टीयू टीयू टीयू, और इस बीकर के एकदम एंड में इस जगह पे एक होल है, है ना, एंड क्या थोड़ा सा मतलब यहाँ पे, और यहाँ से जो फ्लूइड निकल रहा है इसकी रेंज इन्होंने दी है 1.2 मीटर. इसमें फ्लूइड भरा हुआ है, ये एक लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर एक बउआ है, बउ वा, और यहाँ पे एक फ्लूइड भरा है जो यहाँ से गिर रहा है, तो इसकी रेंज कितनी है, 1.2 मीटर है. अब मैं एक लिस्ट वन बनाऊंगा, लिस्ट टू आपको मैच कराना है ना, 8 नंबर के सवाल होते हैं ये सब. लिस्ट वन को आपको लिस्ट टू से मैच कराना है. एक के लिए मल्टीपल करेक्ट हो सकता है, मतलब लिस्ट वन का एक ऑप्शन लिस्ट टू के कई ऑप्शन से मैच कर सकता है, लिस्ट टू का एक ऑप्शन लिस्ट टू के लिस्ट वन के एक से, एक के मल्टीपल आंसर, एक के सेम आंसर, सब कुछ हो सकता है. चलो समझाता हूं. ऑप्शन पहले सुनो, ए बी सी डी, चार कंडीशन और यहां पे चार रिजल्ट, पी क्यू आर एस. पहला है लिफ्ट एस्केलेटेड अपवर्ड, दूसरा है लिफ्ट एस्केलेटेड डाउनवर्ड और साथ में कंडीशन दी है एस्केलेशन इज लेस देन जी, तीसरा है लिफ्ट मूव्स अपवर्ड विथ कॉन्स्टेंट स्पीड, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और चौथा है फ्री फॉल ऑफ लिफ्ट, फ्री फॉल ऑफ लिफ्ट. ये रेंज दे रहा है, कितनी रेंज पे गिर रहा. अब हमारे पास चार ऑप्शन है, डी इज इक्वल्स टू 1.2 मीटर, डी इज लेस देन 1.2 मीटर, डी इज ग्रेटर देन 1.2 मीटर, नो फ्लूइड फॉल्स आउट. अब मैं बता रहा हूं, ए का आंसर पी भी हो सकता है, ए का आंसर पी क्यू भी हो सकता है, ए का आंसर पी क्यू आर एस भी हो सकता है, बी का आंसर पी भी हो सकता है, बी का आंसर क्यू भी हो सकता है, पी क्यू भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, समझे. ऐसे करते करते आपको मैच कराना है, देखते हैं कौन एकदम सही आंसर बता पाता है. सोचिए आराम से, बढ़िया सवाल, खूबसूरत सा, खूबसूरत है, हाँ सर बहुत खूबसूरत है सर, फिदा हो गए हम तो. पॉज करके करेंगे, ओके मैं करने जा रहा, 1 2 3 4 5. भाई साहब ये है क्या रेंज, रेंज का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट 4h इंटू एच माइनस एच. रेंज g पे डिपेंड नहीं करता, मतलब इसके ऊपर लगने वाली फोर्सेस पे रेंज डिपेंड नहीं करता. होगा क्या यार, जब ये एक्सेलरेट ऊपर करेगी तो इस पे एक नीचे की तरफ स्यूडो फोर्स लगेगा, इसका इफेक्टिव ग्रेविटी चेंज होगा, पर यार ये तो g पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, क्या इस होल की पोजीशन चेंज होगी, नहीं होगी. तो एच और एच माइनस एच की वैल्यू चेंज नहीं हुई, तो रेंज चेंज नहीं होगा. लिफ्ट एस्केलेटेड अपवर्ड, रेंज इज 1.2. रिज एस्केलेटेड डाउनवर्ड, ए इज लेस देन जी, अभी इसका मीनिंग समझ में आएगा, रेंज इज 1.2, रेंज को फर्क ही नहीं. लिफ्ट मूव्स अपवर्ड विथ कॉन्स्टेंट स्पीड, रेंज इज 1.2. रेंज क्या लिफ्ट की स्पीड पे, इस लिक्विड की स्पीड पे, जी पे, निकलने वाले लिक्विड की स्पीड पे, किसी पे भी डिपेंड, रेंज डिपेंडेड है ऑरिफिस की पोजीशन पे, तो इसको ऊपर ले जाओ नीचे ले जाओ ऑरिफिस की पोजीशन चेंज. बट एट द लास्ट पार्ट ध्यान देना पड़ेगा, फ्री फॉल ऑफ लिफ्ट. फ्री फॉल ऑफ लिफ्ट का मतलब है लिफ्ट तेजी से नीचे गिर रही, तो जी इफेक्टिव कितना होगा. कई लोग सोचते हैं जी इफेक्टिव कैसे निकलता है, स्यूडो फोर्स लगा के. फ्री फॉल ऑफ लिफ्ट बच्चों, फ्री फॉल का मतलब लिफ्ट किधर गिर रही, नीचे. फ्री फॉल मतलब गिरते वक्त एस्केलरेशन कितना है, जी. कितना एस्केलरेशन है, जी. अब आप सीडो एस्केलरेशन ऊपर लगाओगे, कितना, जी. और ओरिजिनली लिफ्ट पे एक जी नीचे लग रहा था, मतलब जी इफेक्टिव कितना हुआ, ये कैंसिल, जीरो. भाई फ्री फॉल में आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगती ना, फ्रीली फॉल करोगे तो. एक तो ग्रेविटी आपको नीचे खींच रही थी, और जब आप नीचे गिरने लगोगे जी से ही,
तो आपके ऊपर एक सीडो फोर्स लगेगी, एक फेक ग्रेविटी लगेगी, तो इफेक्टिव ग्रेविटी तो आपकी जीरो होगी। फ्री फॉल में पढ़ा होगा इंसान वेटलेस हो जाता है, ये तो पढ़ा ही होगा कि फ्री फॉल में इंसान वेटलेस हो जाता है। जब फ्री फॉल होता है तो वेट नहीं होता, वेट का फॉर्मूला क्या है, एम जी, क्योंकि फ्री फॉल में जी इफेक्टिव जीरो। फील हुआ, फिर से बताता हूँ, फ्री फॉल मतलब एस्कलरेशन नीचे कितना जी का, पहले से आपके ऊपर जी का एस्कलरेशन लग रहा था, इसकी वजह से लिफ्ट के अंदर एक सीडो एस्कलरेशन लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया एस्कलरेटेड, नेट एस्कलरेशन जीरो। बच्चों नेट एस्कलरेशन जीरो होने से ये होगा कि ये फ्लूइड यहां से बाहर नहीं निकलेगा, क्यों निकलेगा, यहां प्रेशर पी नॉट, यहां प्रेशर पी नॉट, और कोई ऐसी फोर्स नहीं है जो इसको नीचे खींच रही हो, तो फ्लूइड बाहर निकलना नहीं चाहेगा, मतलब इस कंडीशन में नो फ्लूइड फॉल्स आउट। ऑल्दो ये जी की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता, बट हां ये फ्लूइड तो तभी बाहर आएगा व्हेन देयर इज ग्रेविटी, अगर ग्रेविटी ही गायब हो गई तो फ्लूइड यहां से बाहर आना ही नहीं चाहेगा, कोई रीजन ही नहीं उसके नीचे गिरने का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए का पी, बी का पी, सी का पी और डी का एस। देखा, बाकी सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। सो बहुत ही सिंपल था, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होता कि रेंज किस चीज पे डिपेंड करता है। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, थोड़ा पुराना है, जेई 2000 में आया था, चलिए इसको आप खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, जेईई 2000। अच्छा मैं एक इंफॉर्मेशन आपको दे दूं, पहले भी दे चुका हूं, रेट ऑफ फ्लो क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो कई बार बात हो चुकी है, एरिया इनटू वेलोसिटी। चलिए हमारे पास यहां एक कंटेनर है, इस कंटेनर में वाई डेप्थ नीचे एक स्क्वेयर ऑरिफिस है और 4y डेप्थ नीचे एक सर्कुलर ऑरिफिस है। जो स्क्वेयर ऑरिफिस है उसका एज है l और जो सर्कुलर ऑरिफिस है उसका रेडियस है r। एक होल यहां पे है स्क्वेयर शेप का, एक यहां सर्कुलर शेप का, ठीक है, फ्लूइड यहां तक है, एक y डिस्टेंस नीचे, एक 4y। हमसे कह रहा इफ द रेट ऑफ फ्लूइड कमिंग आउट फ्रॉम बोथ ऑरिफिस इज सेम देन फाइंड आर इन टर्म्स ऑफ एल। ऑप्शन दे रहा है आर की वैल्यू एल के बराबर, आर की वैल्यू एल बाई टू पाई के बराबर, आर की वैल्यू टू पाई एल के बराबर, आर की वैल्यू एल बाई रूट टू पाई के बराबर। चलिए जल्दी से कर सकते हैं इसको, पॉज करके सॉल्व करें फिर मैं बताऊं, 1 2 3 4 5। चलिए मैं सॉल्व करूं, पॉज कर लें, ट्राई कर लें, ओके। यहां से निकलने वाले फ्लूइड की स्पीड, एक काम करते हैं, यहां से निकलने वाले फ्लूइड की स्पीड v1 मान लो, कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2gy, y डिस्टेंस नीचे। यहां से निकलने वाले फ्लूइड की स्पीड v2 मान लो, अंडर रूट 2g4y। बोलो यहां तक सही बताया मैंने, यहां से निकलने वाला फ्लूइड कितना नीचे है y, तो 2gy, यहां से निकलने वाला 2g4y। यहां का रेट ऑफ फ्लो क्या होगा, देखो रेट ऑफ फ्लो है ना, फर्स्ट का इज इक्वल्स टू रेट ऑफ फ्लो सेकेंड का। रेट ऑफ फ्लो क्या होगा, एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया इंटू वेलोसिटी। यहाँ का एरिया कितना होगा, एल स्क्वायर, वेलोसिटी कितनी है रूट टू जी वाई। यहाँ का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, वेलोसिटी कितनी है रूट टू जी फोर वाई। तो रूट टू जी वाई, रूट टू जी वाई कैंसिल, अंडर रूट फोर से टू बाहर आ जाएगा, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू पाई आर स्क्वायर, यहां से आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर बाय टू पाई, सही है। तो आर इज इक्वल्स टू, अंडर रूट करोगे तो एल बटे रूट टू पाई आएगा। सो कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन डी। क्लियर हो गया, रेट ऑफ फ्लो जानना था ए वी, यहां से रूट टू जी वाई, यहां से रूट टू जी इंटू फोर वाई, आसान क्वेश्चन, चले आगे बढ़े। ओके, अब इतनी देर से जो मैं बात कर रहा था कि एक अजम्पशन ट्रू हो तभी आंसर सही आएगा, उसके बेसिस पे देखिए एक क्वेश्चन जेई ने 2005 में पूछा आपसे,
आईआईटी जेईई 2005, उन्होंने कहा कि हमारे पास एक टैंक है और उस टैंक की हाइट जहां तक वाटर है ऊपर 3 मीटर्स है और यहां एक ऑरिफिस है नीचे से 52.5 सेंटीमीटर ऊपर। वो हमसे और बोलते हैं द रेशियो ऑफ एरिया क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ऑरिफिस टू दैट ऑफ टैंक इज 0.1। फाइंड, यहां से निकलने वाले फ्लूइड की स्पीड v है, फाइंड v स्क्वायर, जहां से जो फ्लूइड आ रहा बाहर आ रहा उसकी स्पीड v, फाइंड v स्क्वायर। ऑप्शन है 50 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, 50.5 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, 51 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, 52 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। पॉज करके ट्राई करें, बहुत ही खूबसूरत सवाल। पॉज कर लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ट्राई करें। यहां पे v की वैल्यू क्या √2gh लगा सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, चलिए मैंने मार्कर में इंक पिला दी। ओके, क्या यहां पे √2gh लिखना सही होगा? अगर हम चाहें तो ये हाइट हम निकाल सकते हैं बहुत इजीली। हाइट कितनी हो जाएगी? 3 मीटर माइनस ये, 3 मीटर मतलब 300 सेंटीमीटर माइनस 52.5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 247.5 सेंटीमीटर या बोल सकते हो 2.475 मीटर। इतनी हाइट नीचे से फ्लूइड गिर रहा। सो वी निकालोगे तो √2gh, है ना, क्या लगाया आपने? टॉर्सेलीस थ्योरम लगा दिया कि भाई साहब फ्लूइड उतनी ही स्पीड गेन वगैरह करेगा, गिरतेगा फ्री फॉल। 2 × g की वैल्यू 10, हाइट 2.475 डिवाइड बाई कितना कर लें, 1000, यहां से डेसिमल हटा दिया। समझ में आ रहा है? तेज तो नहीं हो रहा, 0 से 0 कैंसिल, सो इट विल बी हाउ मच? और हमें वी स्क्वायर चाहिए, वी तो चाहिए नहीं, तो वी स्क्वायर कर लो, रूट हट गया। सो 2 × 2 = 10, 2 × 7 = 14, 1 × 15 = 2 × 4 = 8, 1 × 9 = 2 × 4 = 100। बोलो सही है? स्क्वायर कर लिया मैंने, यानी 100 से डिवाइड करोगे तो आएगा 49.50। क्या चार में से एक भी ऑप्शन इससे मैच कर रहा? नहीं, क्लोजेस्ट 50 है, मार दोगे वैसे आंसर सही आ जाएगा। करोगे तो 50 ना क्लोजेस्ट, पर सब क्लोज क्लोज है, है ना। हो सकता हो 0.5 चक्कर में आप 50.5 मारो। मतलब अगर मैं टॉर्सेलीस थ्योरम लगाऊं, ये हाइट निकालूं 2.475 और √2gh लगा के मैंने, फिर v स्क्वायर निकालना, तो मैंने निकाला तो ये आ रहा, जो कि मैच नहीं कर रहा। दिक्कत क्या है? यहां पे अजम्पशन वैलिड नहीं है, यहां पे इसका एरिया इसके सामने जीरो नहीं है भाई। रेशियो दिया इस बार एरिया का 0.1, एरिया ऑफ ऑरिफिस इसको कितना मानोगे, a2 मान लें, और एरिया ऑफ टैंक a1, a2 बराबर a1 इन्होंने बताया 0.1, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ऑरिफिस टू दैट ऑफ टैंक इज 0.1। इसका मतलब क्या हुआ? a1 v1 = a2 v2 लगा, a1 v1 = a2 v2, यहां से v1/v2 = a2/a1, ये तो लगा ही सकते थे, कितना 0.1, यानी v1 = 0.1 v2। यहां की स्पीड जो निकल रही है v2 बोल दिया, यहां से जो पानी नीचे आ रहा है स्पीड v1, v1 जीरो नहीं है, 0.1 टाइम्स ऑफ v2 है, कुछ है इसकी वैल्यू, 0.1 मतलब 0.1 टाया v2 बाई 10। अब बर्नौलीस इक्वेशन लगाएंगे आप, बर्नौलीस थ्योरम, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, यहां प्रेशर पी नॉट, इसकी हाइट यहां पे बेस मान लो, यहां से हाइट h, सो 0.1 = 0.2, पी नॉट प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी वन स्क्वायर, पी नॉट यहां पे भी प्रेशर प्लस रो जी, हाइट कितनी है 0, प्लस हाफ रो वी टू स्क्वायर, प्रेशर यहां पे भी पी नॉट, यहां पे भी पी नॉट, एटमोसफेयर कैंसिल कैंसिल, ये हाइट 0 कैंसिल, बट v1 इस बार 0 नहीं है, ये इंपॉर्टेंट था, रो रो रो
कैंसिल. सो वी गेट जी एच प्लस वी वन स्क्वायर बाई टू इज इक्वल्स टू वी टू स्क्वायर बाई टू. टू से मल्टीप्लाई कर लो सो इट विल बी टू जी एच. अब आपको वी टू की वैल्यू चाहिए बेसिकली. सो वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू जी एच. और वी वन की वैल्यू कितनी है वी टू बाई टेन. सो वी टू स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर बाई सौ हो जाएगा. वी वन की जगह वी टू बाई टेन इज इक्वल्स टू टू जी एच. यहां से वी टू स्क्वायर कॉमन लोगे आपको मिलेगा वन माइनस वन बाई हंड्रेड. हंड्रेड माइनस वन निन्यानवे बटे सौ इज इक्वल्स टू टू जी एच. अब वी टू स्क्वायर आप निकालोगे टू जी एच इंटू सौ बटे निन्यानवे. टू इंटू जी इंटू एच इज टू पॉइंट फोर सेवन फाइव इंटू सौ बटे निन्यानवे. अब आप देखो ये टर्म वन से थोड़ा बड़ा. सो 49.5 वन से थोड़े से बड़े से मल्टीप्लाई होके करीब करीब 50 आने लगेगा. कैलकुलेट करके देख सकते हैं. क्लियर हुआ इसमें गलती कहां हो रही थी. रूट टू जी एच लेने में नेगलेक्ट नहीं कर सकते थे. वी वन को नेगलेक्ट नहीं किया. एक्सप्रेशन बनाओ वी वन की वैल्यू वी टू बाई टेन यहां पर पुट करो और उससे आपको आंसर मिल जाएगा. सो यहां पर अपना टॉर्सिलीज थ्योरम और वेंचुरीमीटर दोनों ही टॉपिक खत्म होते हैं. एक टॉपिक और होता है धूड़ो अगर नेट पे मिलता है तो. टाइम टेकन टू एम्प्टी द टैंक. टाइम टेकन टू एम्प्टी द टैंक. टैंक के एम्प्टी होने में कितना टाइम लगेगा. मान लो ये टैंक है और यहां पे होल बनाया कैपिटल एच हाइट नीचे और होल का एरिया ए और इसका एरिया कैपिटल ए. तो टाइम टेकन टू एम्प्टी द टैंक इज अंडर रूट टू एच बाई जी मल्टीप्लाइड बाय ए बाय स्मॉल ए. तो देखो ये तुमसे हो पा रहा है कि नहीं. ट्राई करो कितनी देर में टैंक पूरा खाली होगा क्योंकि स्पीड वेरिएबल है. यहाँ से निकलने वाली स्पीड जैसे जैसे ये नीचे आएगा रूट टू जी एच कम होता जाएगा. स्पीड वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन वगैरह. चलो देखना. तो पढ़ाई करते रहें. ऑल द वेरी बेस्ट.